दोस्तों अभी जो है मैं कटिंग का ट्रेनिंग देने वाला हूँ, कैसे कटिंग किया जाता है शॉर्ट का, क्योंकि एक बंदा तो रहना चाहिए दुकान में। अगर मैं नहीं रहूं, अक्सर मैं नहीं रहता हूं, तो कोई एक बंदा चाहिए जो शॉर्ट कटिंग कर ले, पैंट कटिंग कर ले, या कारीगर को दे दे या ऑर्डर को ले ले, तो ऐसा बंदा चाहिए। तो इसलिए जो है हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं अच्छे तरीके से, और पूरा इसको टेंड कर देना है जितना जल्द हो सके उतना जल्द, क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू का चैनल जो ओपन बहुत दिन से रखा हुआ है, सोच रहे उसको मैं कंटिन्यू करूं। तो चलो इसको मैं सिखा रहा हूं, किस तरीके से सिखाया जाता है, सिखाने का तरीका क्या है। आप सब अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो बिल्कुल कन्फर्म सीख ही जाओगे किस तरीके से सिखाना है, ताकि उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको सीखने पहले आना चाहिए, इंची टेप के बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं भी मालूम है तो किस तरीके से सिखाते हैं, आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना यार, आरएस फैशन ब्लॉग्स को, ताकि आप सभी को कुछ सीखने को भी मिले और देखने को भी मिले, इंटरटेनमेंट मिले, इसमें आपको हर चीज मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं। चलो नापी निकालो इसका, किसका है सर, इधर से काटेगा, इधर से काटेगा, इधर से काटेगा ना, तो जो मार्का होगा वो मार्का तुम्हारा बावा सहन जाएगा, जिसमें काज कटता है, फैशन पर जिसमें चिपकता है उसी में दाग होगा। जैसे काटते उसी काटते हम काटे, तो बताओ ये हम थोड़ी ना, जो बटन पट्टी में दाग चाहिए, बटन पट्टी में जैसे कि पेस्टिंग चिपकाते समय दाग न रहे, तो इधर से करना है, ठीक है। तो इसको जैसे सरिया हो सही है, और ये देखो ये लाइनिंग वाला है, ठीक है, इसको नीचे गिराओ, उधर जाने दो पूरा, जाने दो। अब इसको यहाँ पे सरिया, लाइनिंग वाले में क्या करते हैं, धारी वाला में, धारी वाला में क्या करना होता है हम बताएंगे तुमको, पहले मार्कर लगाकर पहले इसे मोटा मोटी धारी मिला लो, कटिंग के समय में जो है मार्कर लगाकर कटिंग के समय में दोनों एक काटते हैं, पहले धारी मिला के दो काटते हैं, ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले कापड़ा को अच्छे तरीके से क्या करना है, सरिया लेना, सरियाने का तरीका, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सरिया लिए, अब इसमें कौन कौन सा स्केल लगेगा, ये लूज शॉट है, फिटिंग शॉट नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल स्केल होगा ये वाला स्केल होगा, ठीक है, और दूसरा स्केल भी नहीं लगे तो इसी से कटिंग हो सकता है। तो सबसे पहले हम तुम्हें बोले थे ना बेटा देखने के लिए, बड़े बड़े सीधा का मारना है, का किधर को सीधा का मारना, अच्छा इधर को टीटा रहेगा जैसे कि तीसरा हो गया, तो कैसे कैसे मारकर लगाएंगे, इधर से सीधा इधर से मार्का लगा दिया, जब टीटा रहेगा जैसे कि ये उरेब में हो गया, चाहे कम बेस है, देखो ये नीचा कपड़ा है ना जी कम बेस, तो इतना ये तो वैसा ही है, तो इसको पैसा मार्का लगाएंगे, इतना पे लगाना है मार्का, ठीक है। तो लाइनिंग में समझ में आ जाता है, उरेब में नहीं समझ में आता था, इससे मार्का लगाएंगे। अगर इसको ये एक साइड से बैठाओगे ना, देखो इधर से भी तुम बैठा दिया तो ये बिल्कुल ये सीधा होकर मार्का, अब इधर से उरेब हो चाहे जो भी हो, ये सीधा ऐसा स्केल से लगेगा, बट ये तो सीधा है तो इससे लगा सकते, ठीक है। तो ये देखो कितना पे नीचे, इतना कपड़ा कम है तो इतना ही भी मार्का लगाएंगे, पर आप सीधा मार्का, अब दूसरा कौन कौन सा मार्का लगाना है, इसी हाथ में रखो लंबाई, लंबाई का लगा, यहाँ कहाँ रखे हो लंबाई, तो पूरा मार्का तो रखो ना, कौन है मार्का, शॉर्ट शॉर्ट कौन है, देखो सारवाज लिखा हुआ, ठीक है, शॉर्ट का लंबाई कितना है 7.26, ठीक है, 7.26 कितना है मार्का लगेगा, 27 लगेगा, आधा इंची फोल्ड होता है, आधा इंच ऊपर सिलाई होता है इसका, तो 27.5 कितना है, 26.5 27 पे लगेगा, जो सिलाता है उसको 27 पे लगाओ, और नीचे से फोल्ड होगा, चाइनीज फोल्ड नहीं होगा, फोल्ड नीचे गोल होगा, तो 1.5 इंची का, तो नहीं तो यही कहीं भी थी, 1.5 इंची 1.5 इंची 28.5, ठीक है। अब यहाँ पे हो C
सीने का जो थाइबर, सीने कितना है 38, 38 का जो थाइबर कितना होगा, 4 से भाग दोगे कितना आएगा, आधा कितना होगा 38 का, आधा 16, 38 का आधा कितना होगा 19, 19 का आधा साढ़े आठ होगा। यहाँ से कितना डाउन करेंगे, 2 इंची कर देते हैं। अभी जितना भी एक और लगाओ कि सीधा सीधा निशान लग जाए। देखो फिर इंच टेप ऊपर बना दिया ना मार्क पर। हाँ देखो इंची टेप पकड़ो बढ़िया से। दूसरा कितना लगाया, नौ मारो। इसमें फिटिंग नहीं है तो पेट पे नहीं लगेगा मार्क। 27 की मानो, 28.5 इंच नहीं बढ़ेगा, 40 थोड़ी है, फुल होगा सब बच गए। इधर से इसको ऐसे रख लेते हैं, लहंगा से सीधा तरह मारते चल जाएंगे। इसको दाब रखेंगे, हिलना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं जो उल्टी निशान लगाते हैं। ठीक है, नीचे भी लगा। हाँ ठीक है, नीचे दोनों लगा। ठीक है, इधर से कितना लगेगा, इधर से काज पट्टी बटर पट्टी के लिए कितना लगेगा, 2 इंच है, 2 इंच। हाँ 2 इंच का लगा, इधर लगा पूरा, ये 2 इंच का मार्क लगेगा नहीं। हाँ तो 2 इंच तो इसी पे निशान खींचो ना, ये जो ये लाइनिंग है ना इसी पे खींचो ना, इधर। हाँ इंची टेप रख के इसी पे खींच दो, हो जाएगा। जहाँ तक जहाँ तक लंबाई है देखो, इतना समझ में आया ना। यही फिटिंग रहा था तो एक और पेट पे जो मार्क लग कितना पे लगता है, पेट का जो मार्क लगता है फिटिंग, जैसे फिटिंग रहा था तो जैसे लंबाई तुम्हारा कितना है 26 से 27 पे लगाए हो, ठीक है, इसका आधा करके, जैसे कि इसका आधा करोगे तो कितना होगा, 27 का आधा 13.5, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 2.5 इंच प्लस कर देंगे, 1 2, ठीक है, सही है, 16 का मार्क आ गया। ठीक है, तो पेट का जो भी मार्क लगता है 16, 16.5, 17 सियाने आदमी में, ठीक है, यही के बीच में रहता है, कभी कभी 17.5 रहता है, ज्यादा लंबा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक दिन में ही अगर चाहो तो पूरा सिखा लेना तो नामुमकिन है, और डेली गड़बड़ होगा, क्या होगा, डेली गड़बड़ होगा। इसीलिए क्या करेंगे कि आज इतना हम जो सिखा दिए, इतना सिखाए, और फिर दूसरे शॉट में बोलेंगे इतना करने के लिए तो कर देगा, अगर गड़बड़ाएगा तो यही स्टेप रखेंगे, अगर नहीं गड़बड़ाएगा तो 2-4 में मार्का लगाने के बाद उसके बाद उसको देखेंगे, बोलेंगे कि अब हम काम कर रहे हैं तुम देखो, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टेप बढ़वाएंगे, उसके बाद जो है सीने का चौथाई भाग फिटनेस के पे आएंगे, उसके बाद हालर पे आएंगे, इसके बाद जो है जब फ्रंट पला से तरीके से समझ आएगा तो बैक पला पे आएंगे, अब बैक पला जब अच्छे तरीके से समझ आएगा तो बाजू स्लीव्स पे आएंगे, ठीक है, स्लीव्स जब अच्छे तरीके से कन्फर्म समझ आएगा
तो तीरा को समझाएंगे। अच्छा पूरा अच्छे तरीके से समझ गए, एक एक स्टेप सिखाते चले गए, उसके बाद पूरा शॉर्ट कटवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किसी को सिखाओगे तो 2 से 4 दिन में शॉर्ट काटना सीख जाएगा। अगर चाहोगे कि उसको पूरा कंटिन्यू हम सिखाते रहे तो जो तेज है माइंड का वो तो सीख जाएगा, जो माइंड का तेज नहीं है वो हमेशा भूलता रहेगा, जो तेज है ना हमेशा उसको गड़बड़ ही रहेगा। अगर एक एक स्टेप ऐसे सीखे रहेगा तो उसको कभी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि जो मार्का लगाया है हेवी साइड में 2 इंच का डाउन कराया है और यही कम रहता है, 32 रहता है, 30 रहता है, तो ये कितना डाउन करना है ये सब माइंड में सेट होना चाहिए, बैठना चाहिए। इसके बाद कुछ कुछ हिसाब बता देंगे, फॉर्मूला जो याद करना रहता है, हैबिट करना रहता है, तो उससे क्या होगा तरीका पता चलते जाएगा, माइंड पर भी जोर नहीं पड़ेगा कि हम कब सीख गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सिखाओगे तो अच्छे तरीके से वो सीख पाएगा। तो आई होप मेरा कोशिश जो है कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो, जब तक मैं कटिंग करूंगा और ये देखिएगा सीना कितना है संजय को बताओ। 38 है तो 38 का चौथा ही बैंड 9.5 आएगा, 9.5 में लगाया होगा, ज्यादा नीचे वाला टकने के लिए आ जाए चुपका धो, लेकिन इसमें तो कम नहीं होगा ना, बॉडी फिटिंग हो गया ये, तो ये देखो ठीक है 9.5 लूजिंग फिटिंग के लिए, नॉर्मल फिटिंग के लिए 10 इंच में खोल दो।